2022 का जो हमारा मांग पत्र है उसमें हम अगर देखें तो सकल वेतनमान में 40% के बढ़ोतरी की मांग की गई है। और जैसा कि आपको आपने अगर 2017 और 2022 के वेज रिविजन का अध्ययन किया होगा तो 2022 में आपने देखा होगा कि आपका वेतनमान जो हाइक हुआ था उसमें डिमांड क्या थी और वृद्धि क्या हुई। डिमांड 35,650 से डिमांड जो हमारी थी वो 40% हाइक के साथ 64,997 से लेकर 1,35,187 की थी, जबकि जो आपकी मांग पूरी हुई थी वो 35,650 से लेकर 90,205 तक, यानी कुल 21 इंक्रीमेंट के साथ। और आज पुनः हम 40% बढ़ोतरी के साथ अपनी वेज रिविजन हेतु चार्टर ऑफ डिमांड को केंद्रीय कार्य पर रखने का रख रहे हैं। इसके दूसरे क्रम में हर साल हर दो साल पे स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट की हमारी डिमांड है, जबकि आज की डेट में 4 स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट 3 साल के अंतराल पे और 5वां 2 साल के अंतराल पे हमको दे है, जबकि हमारी जो डिमांड है वो मिनिमम 7 इंक्रीमेंट होनी चाहिए 2 साल के अंतराल पे, जबकि उससे भी आगे बढ़ के हमारी जो डिमांड तो ये है कि हमारा रनिंग स्केल लागू किया जाए। अगर हमारा रनिंग स्केल लागू होगा तो मुझे लगता है कि इन चीजों की हमें जरूरत नहीं होगी। और जैसा कि आपको विदित भी है कि हम इस बार चार्टर ऑफ डिमांड में हमने एक एक सदस्य के विचारों को लिया है और उसे अपने चार्टर ऑफ डिमांड में समावेशित करने का प्रयास किया है। और जब आप चार्टर ऑफ डिमांड को पूरी तरह से उसका अध्ययन करेंगे उसका अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि यदि आपने कोई विचार प्रेषित किया है तो वो विचार यहां पर मेंशन होगा। जैसा कि आपके हम लोग के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय पतंजलि गौरी जी ने कहा कि 1997 की वेतन विसंगति के नुकसान के कारण हुई विसंगति को दूर करने के लिए एक विशेष वेतन वृद्धि की डिमांड हम लोग कर रहे हैं। और निसंदेह जो आज हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है जो विकास अधिकारी के ग्रीवांसेस हैं उनको किस रूप में हम चार्टर में अपने समायोजित करेंगे उस पर हम आमंत्रित करते हैं अपने क्षेत्रीय सचिव को, आइए और अपने विचार। धन्यवाद। सभा का संचालन कर रहे मंडलीय सचिव कानपुर श्री संतोष कुमार जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सुधीर जोशी जी, स्थानीय सचिव श्री मनीष कस्तोगी जी, राष्ट्रीय एसोसिएशन के क्षेत्रीय सचिव श्री राजीव निगम जी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर मध्य क्षेत्र श्री पतंजलि गौरी जी, मंडलीय अध्यक्ष कानपुर श्री जेपी आनंद जी और हमारे प्रिय साथियों, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारे पूर्व वक्ता ने किया और इस भाव के साथ की लड़ाई लंबी भी है और सामने वाला मजबूत भी है। अभी तक आप देखते रहे हैं कि जब भी वेज रिविजन होता है तो एक ज्वाइंट फ्रंट का गठन किया जाता है और ज्वाइंट फ्रंट के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के लगभग 1,10,000 कर्मचारी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पूर्व में इससे भी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा ज्वाइंट फ्रंट की एक बैठक 13 सितंबर को हुई और 13 सितंबर की बैठक में IRDA जैसे दानों और दानों में इसलिए कहूंगा कि राष्ट्र के योगदान में भारतीय जीवन बीमा निगम जिस रूप में अपना योगदान करती है अगर उसे कहीं किसी रूप में डैमेज करने का प्रयास किया जाएगा
इसको वो एक कोई आम आदमी तो होगा नहीं। और ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए हमने अपनी मीटिंग भी करी और आईआरडीए अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष को अपने विचार, अपने भाव, अपने रोष पत्र के माध्यम से व्यक्त भी की। आज जैसा कि आपको विदित है कि केंद्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगुवाई में मुंबई डिवीजन 1, मुंबई डिवीजन 2, मुंबई डिवीजन 3 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर हमारे आदरणीय क्षेत्रीय सचिव, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष, आदरणीय क्षेत्रीय कोष, क्षेत्रीय संरक्षक और आदरणीय स्थानीय क्षेत्रीय सचिव हमारे बीच में है। हमारे लिए बड़ा अवसर है आज। इनेशन फेडरेशन ने 1 सितंबर 2022 को न्यू रहे अपने वेतन पुनर्निर्धारण के लिए अपनी डिमांड आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा केंद्रीय कार्यालय में माननीय चेयरपर्सन को प्रेषित करेंगे। इसी प्रक्रिया में क्षेत्रीय कार्यालय पर हमारे आदरणीय क्षेत्रीय महासचिव के द्वारा जो भी हमारी डिमांड्स है चार्टर में इस विकास अधिकारी वर्ग को लेकर वो आपके समक्ष बिंदुवार प्रस्तुत करेंगे। हम आह्वान करेंगे अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से कि हमारे साथियों को अपना संबोधन प्रेषित करें आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष। नेशनल फेडरेशन जिंदाबाद। साथियों, ऐसा ही समय था पिछले 7 दिसंबर 2017 को हम इसी तरह से एकत्र हुए थे और हमने अपना चार्टर पेश किया था। बहुत सारी चीजें उस चार्टर की हम मनवा पाए, बहुत सारी चीजें नहीं मनवा पाए। आज उसी प्रक्रिया में हम एक बार फिर अपना चार्टर प्रस्तुत करने जा रहे हैं आज। लेकिन तब समय कुछ और था, ये दौर कुछ और है। परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं तब से, बहुत पानी बह चुका है। LIC जब शुरू हुई थी उससे पहले 1 सितंबर 1956 से पहले जो सिनेरियो था उसको आज भी हम याद करके जो विभत्सता हमने देखी, हमारे सीनियर्स ने देखी, वही शायद डर यही है, आशंका यही है, वही विभत्स समय हमें शायद कहीं दोबारा ना देखना पड़े। हम LIC 1.0 का नाम दिया गया। किस तरह से हमारे अग्रजों ने, स्टाफ ने, ऑफिसर्स ने, अभिकर्ताओं ने अपना खून पसीना एक करके अनिश्चितता के माहौल में 245 कंपनियों को जोड़कर एक कंपनी बनाई गई और उस निगम को जिस तरह से सींचा और उसको यहां तक पहुंचाया कि उसके बाद यही कंपनी भारत सरकार की अग्रणी प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज में शामिल हुई। लेकिन उसके बावजूद नवरत्नों में शुमार नहीं किया गया, जबकि साफ दिखता है कि जो प्रॉफिट LIC से किसी भी सरकार को मिला वो प्रॉफिट अपने आप में, क्योंकि पैसे का, सारे के सारे पैसे का जो अंडरराइट किया वो सरकार ने ही किया और उसके बाद और लोअर वेजेस पे किया। उसके बाद LIC 2.0 पर आ गई जब
आपका इंश्योरेंस मार्केट खोल दिया गया प्राइवेट कंपनी के लिए सन 2000 और तभी इतिहास गवाह है, विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जब ग्लोबल मार्केट में इंश्योरेंस मार्केट खोला गया किसी देश में तो उसकी जो अर्थवाल इंश्योरर था, जो उसकी पहले से जो कंपनी थी, जो वो कंपनी 5 साल के अंदर घाटे में चली गई। लेकिन ये सब हम सब लोगों का सामूहिक प्रयत्न था कि हमने 24 कंपनियों के साथ एकजुटता से लड़ते हुए इस हाल में पहुंचाया कि हम लगातार आज भी हमारा मार्केट शेयर 2/3 मार्केट शेयर के साथ हम खड़े हुए हैं। और अब जो समय आया है LIC 3.0 कि अचानक ही आपका कॉर्पोरेशन को कंपनी में बदल दिया गया और आपका IPO आ गया, बावजूद इसके कि आपका IPO घाटे में खुला, आज भी आपकी कंपनी देश की 5वीं कंपनियों में कंपनी में है जिसका IPO का अगर कॉर्पोरेट से हम बात करते हैं। तो जिस तरीके से हम अभी तक इस कंपनी को चला रहे थे, हमारा हक था कि हमको बेहतर वेजेस दिए जाए। हमने कम में काम करके ज़्यादा देने की कोशिश की हमेशा, लेकिन अब समय आ गया है जब बंटवारा हो रहा है चीज़ों का, तो हमें भी हमारा हक मिले, हमें बेहतर हक मिले, हमारे पारिश्रमिक बेहतर किए जाएँ। वो किस रूप में होंगे, क्या क्या चार्टर हमने बनाया है अपने डिमांड्स का आपके सामने क्षेत्रीय सचिव महोदय उनके कोर इश्यूज को ज़्यादाबार प्रस्तुत करेंगे। और न सिर्फ यही बल्कि आज का जो मेरा कहना है कि आज का समय विशेष है, वो इसलिए भी है कि हम एक शक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी हमने 26 सितंबर को जागरूकता दिवस मनाया था और आप समझ सकते हैं कि आज का महत्व कि आपके डिवीजन में पिछले एक हफ्ते में बैक टू बैक 2 वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं। बेहतर होता कि आज सारे के सारे साथी होते तो हम ज़्यादा दूर तक हमारी बात जाती और हम ये समझ पाते कि हमारे लिए ये कितना क्रिटिकल। साथियों, हमारे बीच में आदरणीय गोहोई जी हैं, एक बड़ा लंबा अनुभव है बहुत सारे वेज रिवीजन में जो चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किए गए हैं उनके साक्षी रहे हैं। हम अनुरोध करना चाहेंगे आदरणीय गोहोई जी से कि इस चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर हमारे साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय गोहोई जी को आए और अपने विचार रखें। आवाज को हम एक हैं, आवाज को हम एक हैं। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय सचिव, स्थानीय क्षेत्रीय सचिव, अंतर मंडल के हमारे मंडलीय अध्यक्ष और सचिव और उपस्थित साथियों, वेद रिवीजन के लिए हमारे संगठन ने बड़े लंबे समय तक लड़ाइयां लड़ी। साथियों, अगर पुराने समय का याद हो तो किसी जमाने में जो क्लास टू की बेसिक हुआ करती थी वो HGS से कम होती और साथियों हमारे बीच में हमारे AIA के साथी आए हुए हैं, इनका स्वागत करिए। '97 का जो वेज रिवीजन हुआ उसमें जो विषमता थी उसको दूर किया, लेकिन उसके साथ ही उस समय
जो बेसिक की बंदी की गई उसमें हमारे पुराने साथियों का तो इंक्रीमेंट का लाभ और वो इंक्रीमेंट का लाभ बहुत बड़ा लॉस होता है। रिटायरमेंट तक कौन से लाखों रुपए का लॉस होता है। जो ये गड़बड़ी हुई उसके बाद के जितने भी वेज रिविजन हमारे हुए उनमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखा गया और उसके बाद ये गलती दोबारा नहीं हुई और उसी के कारण आप देख रहे हैं कि विकास कार्यों को जो वेतन मान मिला और जो लास्ट अभी जो वेज रिविजन हुआ अपना उसमें जहां हम पहुंचे वो एक सामान्य की साथियों जहां तक वेज रिविजन में इस बार किन चीजों को जोड़ने की हमारी इच्छा है और ये नया वेतन लाभ हम कैसे ले सकेंगे इस बारे में तो मैं चाहूंगा कि क्षेत्रीय सचिव के मुंह से ही आप सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज जरूर आपको याद दिलाऊंगा कि जो वेज रिविजन होते हैं अगर आप ये सोचे कि जो विषम परिस्थितियां इस समय चल रही हैं निगम के साथ उसमें अगर आप एक एकजुटता के साथ नहीं आए तो आगे का वेज रिविजन बहुत अच्छा हो तो संभव नहीं हो। इसलिए जब भी कोई वेज मीटिंग हो हमने परसों डीसी में भी आह्वान किया था कि हमारे सभी सदस्यों की उपस्थिति यहां अनिवार्य है। अगर आगे से कोई भी कॉल हम देते हैं आपकी कोई मीटिंग बुलाते हैं गेट मीटिंग हो आपको यहां उपस्थित होना है क्योंकि हमारे पास होना है। जो एक एकजुटता हमने प्राइवेट कंपनी के खिलाफ पिछले 22 सालों से दिखाई है वही एक एकजुटता की जरूरत आज भी है और मेरी शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अपने क्षेत्रीय सचिव श्री साई जी को। साई जी